आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर अनेकों प्रकार के जीव मौजूद थे, जिसे हम इंसानों ने डायनासोरस के नाम से संबोधित किया है। और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इन प्राचीन समय के शाकाहारी और मांसाहारी जीवों से अवगत कराएं। प्राचीन समय में एक और डायनासोर प्रचलित था, जिसका नाम था पैरास्लोरोफस। यह एक शाकाहारी डायनासोरस था जो छिपकली की प्रजाति से संबंधित था। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह डायनासोरस आज से लगभग 83 मिलियन वर्ष पहले मौजूद थे। इसको शोधकर्ताओं ने 3 प्रजाति में बांटा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पैरास्लोरोफस एक लंबा नाम है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पैरा करके संबोधित करेंगे। पहली प्रजाति थी पैरा वॉल्केरी, तो दूसरी प्रजाति थी पैरा ट्यूबिशन, और तीसरी प्रजाति थी पैरा क्राइटोक्राइस्टेटस। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इसकी चौथी प्रजाति भी थी, जिसका नाम था पैरा जाइनेसिस। पैरा के जीन्स का वर्णन 1922 में पहली बार विलियम पार्क्स द्वारा एक खोपड़ी और आंशिक कंकाल में किया गया था। तब शोधकर्ताओं ने इस पर गहन अध्ययन किया, तब उन्होंने पता लगाया कि पैरा की हाइट 1600 लेकर 18 फीट तक होती थी और इसका वेट होता था 2700 किलो से लेकर 3600 किलो तक, और इसकी लंबाई होती थी 33 फीट से लेकर 35 फीट तक, और स्पीड की बात करें तो यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता था। इन डायनासोरस के साइज को मध्यम वर्ग के डायनासोरस की श्रेणी में रखा गया है। इन डायनासोरस की देखने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक थी, क्योंकि इनके पास कोई भी रक्षा कवच नहीं था जो इनकी रक्षा कर सके। तो यह अपने सुनने और देखने की शक्ति से ही मांसाहारी डायनासोरस से बच सकते थे। इसीलिए यह अपने देखने और सुनने की शक्ति पर ही ज्यादा निर्भर रहते थे और खतरे को भाप कर अपने को तुरंत छिपा लेते थे, ताकि इनका अस्तित्व जीवित रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।